वेलकम टू द पार्टी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। भाई आज मैं मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोलने नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं लगा, और अब मेरे को टाइम लगा रास्ते में। और मेरे को जो यहाँ मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ की जगह मेरे को सबसे अच्छी लगती है। यहाँ पे कूलिंग ही कूलिंग, और मौसम देखो अभी मैं दिखाती हूँ, हमेशा दिखाती हूँ, दो तीन दिन हो गया आपको, अभी ये भी दिखाऊंगी। बढ़िया था गुरु। ये देखो कितना अच्छा हो रखा है, बिल्कुल साफ मौसम है, बारिश का हो रखा थोड़ा थोड़ा, और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और ये मैं रही, मैं लेट हो रही हूँ, बट मैं यहाँ आके वीडियो के लिए रुक जाती हूँ। और अभी एक ना एक्टिवा वाला, जैसे बाइक वाले से मेरे से आगे निकल जाते हैं, तो फिर एक एक्टिवा वाला था वो मेरे से आगे निकल गया। मैंने स्कूटर को इतनी तेज भगाया, वो बेचारा पीछे ही लगा रहा, ऊपर से ट्यूनिंग पे, म्यूजिक ट्यूनिंग पे भागता रहा स्कूटर। देखो मैं कहाँ का जा रही, ये क्या ईंटें बनाने का, यहाँ के अंदर से जा रहे हैं ऐसे रास्ते से। हट गई हमारी, आराम आराम से निकाल। देखे आप भी खराब होंगे जूते। Oh my God! Wow! भाई मैं आ गई अपने ऑफिस से, और रास्ते में ना जिस रास्ते से जाती थी वहाँ रास्ते में फाटक आती है, और वो फाटक में कुछ वहाँ पे कुछ ठीक कर रहे थे, इस वजह से वो बंद थी। फिर मैं कच्चे रास्ते से आई, कच्चे रास्ते में वहाँ कीचड़ हो रखा था, वहाँ मेरे से मतलब कीचड़ में से स्कूटर से क्रॉस ही नहीं हो, पर मेरे से पहले कोई गया था, उसने वेट किया है, सोचा कि उससे निकलेगी नहीं, उसने मेरी स्कूटी निकाली, वेट करने लग रहा कि भाई वो आएगी, उसकी स्कूटी भी निकाल दूंगा, तो उसने मेरी हेल्प की, मैंने उसको थैंक यू भी बोला। फिर ऐसे इंसान भी होते हैं दुनिया में, अच्छे इंसान। भाई ये मैडम है हमारी फनी वाली, ये अपने बारे में कुछ बताएंगे, बताओ मैडम क्या बोलना चाहोगे? मैम को लाइक कर दीजिए, बस लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। और ये मैम आज थोड़े ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, इसलिए ज़्यादा पास आके कैमरे के अपनी ब्यूटी दिखा रहे हैं। इनका नेम मानसी है। नहीं देखा जा रहा। ये मैम आज जल्दी चाय ले आए, मैंने बोला था वीडियो में आना तो वहां से आना है, अभी पहले ले आए चाय। आज मैम साड़ी पहन के आए हैं, चाय पी लो। चलो ठीक है, आप भी आओ हमारे यहाँ मैडम के हाथों की चाय पीने। चाय के साथ ये मिलते हैं 5 रुपए के, ये चाय रखी। भारत माता की, हरियाणा की
आवाज जो है वो पूरे देश में गूंजती है, पूरी दुनिया में गूंजती है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के कुलपति महोदय श्री मित्तल जी, यहाँ की रजिस्टर्ड मैम ऋतु जी, प्रतिष्ठित व्यक्तिगण जो नारी जो है वो भारतीय नारी विशेष तौर पे अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, उसके स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है और प्रतीक्षा करती है कि उसका पति कब लौट के घर आए। ये सिर्फ अर्थी के पीछे पीछे से दो जवान लड़के आए मोटरसाइकिल पे और वो निकलना चाह रहे थे, जगह नहीं थी और वो बार बार बाइक को रेस दिए जा रहे थे। तो एक बुजुर्ग आदमी पीछे पलट के देखा, क्यों भाई इससे पहले जाऊंगा क्या? तो मतलब आप ये सोचिए कि उदासी में भी उसने उसको कैसे कन्वर्ट किया। ये बहुत मुश्किल काम होता है और इतना हाजिर जवाब होना। तो कलाकारों की कमी नहीं है, सिर्फ जरूरत है उन्हें एक मार्गदर्शन देने की, उन्हें राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करने का। तो हमारा प्रयास है, मुझे उम्मीद है जिस तरह से मित्तल जी ने फौरन हाँ कर, बड़ी समस्या बनी है। जहाँ भी कोई मिलता है, भाई मैं छोटा सा था जब तक को देखा था, भाई मैं छोटा सा था, अरे तू छोटा था तो मैं भी तो छोटा ही था कभी। एक दिन तो एयरपोर्ट पे एक 80-85-90 साल की बुढ़िया आके शायद हरियाणा राजस्थान की रही होगी, पर्दा डाला और आके मेरे पैर छू लिए, बचपन में तेरे को देखा था। अरे अम्मा तूने अगर बचपन में देखा था तो मेरा क्या हाल था। तो आजकल मेरी उम्र को लेके मीडिया भी परेशान है, जो भी मिलता है एक बार तो जरूर पूछता है, भाई साहब एज क्या होगी होगी आपकी? भाई साहब मेरे लिए तो समय रुका हुआ है, महाभारत में जैसे समय रुक गया था वैसे ही समय रुका हुआ है, मैं क्या बताऊं। ये होता है हरियाणा में आने का सर, कॉमेडी अपने आप आ जाती है। वो दिल्ली में एक आदमी चांदनी चौक के आसपास घूम रहा था, लाल किला नहीं लग रहा था उसको, तो उसने जिस आदमी को पूछा हरियाणवी था, कह रहा भाई लाल किला किधर पड़ेगा? कह रहा भाई जिधर से कमजोर होगा उधर से पड़ेगा। सेंस ऑफ ह्यूमर जो हरियाणा में हिंदुस्तान में कहीं नहीं। चलिए महाभारत के युग में ले चलते हैं, काल में ले चलते हैं। आप सबने देखा इतना प्यार सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया है। एक सीन है जब पांडवों को वनवास हो गया है और सब जाने की तैयारी में है, सिर्फ द्रौपदी जो है वो मना करती है और वो युधिष्ठिर से प्रश्न करती है कि हम ही क्यों जाएं, हम ही वनवास क्यों जाएं। तो उस समय का एक संवाद है जो द्रौपदी को और भाइयों को समझाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने यानी डॉक्टर राय मासूम रजा साहब ने हम लोगों के लिए लिखा था। और महाभारत वैसे भी संवादों के लिए बहुत मशहूर है। ये संवाद सुनाने से पहले मैं एक, और वो इतना मीनिंगफुल है कि आप यहाँ से जाएंगे तो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। शायद आपको याद नहीं होगा लेकिन जब आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि ये कहाँ का है। कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी परंपरा, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबसे फेवरेट डायलॉग है और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद जीवन में भी यही अपनाया हुआ है। अब मैं चलता हूँ उस संवाद की ओर। तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को कहा, और सबसे खूबसूरत बात है कि श्री राम का जिक्र जो है महाभारत में सिर्फ इसी संवाद में आता है जहाँ उन्होंने श्री राम जी का रेफरेंस देते हुए ये कहा था। श्री राम जी जानते थे पांचाली कि मृग सोने का नहीं होता, फिर भी वो उसके आकेट पर चले गए। तो क्या वो केवल लोग था? क्या स्वयं सीता जी नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग चिकारे जैसा कोई पशु नहीं होता? जो होने वाला होता है पांचाली वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है, उसे ना तुम रोक सकती हो ना मैं, उसे ना भीम की गदा रोक सकती है ना अर्जुन के बाण। इसलिए यहाँ से चले चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताजी को प्रतीक्षा करवाना मर्यादा का उल्लंघन होगा।
चलो चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। माननीय कुलपति जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि आपसे मैं रूबरू हो चुकूं। जय हिंद, जय हरियाणा। और आदरणीय एक अलग से प्रस्तुति, एक छोटी ही प्रस्तुति हमारे जो बीन पार्टी आई हुई है उनके।
बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं सभी कलाकारों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ सभी कलाकारों के साथ डांस करिएगा। बोलो भारत माता की, पिज्जा का भी गाल है। चोगर देख भाग हरिया हो घन घोर कटा समन छोरी गावे की सुनी रे धूल भली गावे चोगर देख भाग हरिया घोर कटा समन की छोरी गावे की सुनी रे धूल भली गावे मारे चोकड़ी चढ़ी पींग पैर के चार तो छुरिया अंदर पकड़ा इधर उधर में आके यूं मारी आई भी बिचारा के सासू जी का ना छोड़ गई लंबा हाथ लंबा तोड़ लंबा और झूठा फेली बची सी कह झूला मटी की हो हवा का झोंका आ गया अल्लाह की क्या करता और हसन ने जी कर रहा था वो पटियाला सरवाई का हट कहां माटा हाथ टूट गया मेरे दिल कर वादी का उनकी हो गए और खावड़ लागी हार जो क्या चाहती थोड़ी हो गए और बल्ले तुछड़ लगी स्टार्ट हो गया है अब 1:30 बजे।
एंडिंग की तेरे गम अगर पाएंगे हम तेरी है कसम हम सवर जाएंगे। थैंक यू।